हाय फ्रेंड्स, आई एम कुमारजीत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेट प्लस टेक। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप मास्टरिंग कैसे करें। जैसे मिक्सिंग पिछले वाले वीडियो में बताया था, कंटिन्यू जो क्लासेस देखते आ रहे होंगे उन लोगों को पता होगा कि क्या हमें करना है, तो इसमें मास्टरिंग कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूं। तो आपने मिक्सिंग पिछले वीडियो में कर लिया था, मिक्सिंग करने के बाद एक मास्टरिंग आता है, तो मास्टरिंग के लिए हम लोगों को क्या है कि कैसे करते हैं, वो मास्टरिंग कैसे करना चाहिए, वो वाले वीडियो में हम लोग अभी चलिए हम लोग स्क्रीन पर चलेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताएं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोज आए। हमने नियोंडो के क्लासेस दिए हैं, क्यूबेस के क्लासेस दे रहे हैं, इसके बाद जो है हम आपको एडोब प्रीमियर प्रो सिखाने वाले हैं एडिटिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे चार्ज दिए, तो आप लोगों के लिए बेहतरीन है। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पर अभी चलते हैं, स्क्रीन पर चल के हम लोग सीखते हैं कि मास्टरिंग क्यूबेस में हम लोग कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग स्क्रीन पर आ चुके हैं, स्क्रीन पर आ चुके हैं। इसके बाद हम लोगों को जैसे मिक्सिंग पहले कर लिया है, हमने मिक्सिंग करके पहले दिखाया था कि आप हमने ये मिक्सिंग किया है। अभी मास्टरिंग के लिए हम लोग कीबोर्ड में जाएंगे, कीबोर्ड में F3 दबाएंगे। एक कीबोर्ड है, कीबोर्ड में F3 दबाना होता है। F3 दबाएंगे तो ये वाला सेशन, ये पेज, ये मिक्सिंग का खुल जाएगा, ये वाला खुल जाएगा। इसमें हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके ई वाले को क्लिक करना है। ई वाले को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये ई वाले को क्लिक करने हैं और यहाँ पे जैसे यहाँ जाएंगे तो यहाँ देखिए मास्टरिंग का ऑप्शन आता है। जैसे ये देखिए मास्टरिंग है, मास्टरिंग में हमने ये वाला प्लगइन्स यूज किया है, स्टीरियो ग्रुप स्टीरियो, आप देख सकते हैं ये हमने यूज किया, ये डाला हमने, इसको मास्टर को क्लिक किया। मास्टर को क्लिक करने के बाद ऐसे मास्टर को क्लिक किया, ये वाला आ गया इतना। अभी हम लोगों को इसके बाद एक और प्लगइन्स यूज करना है, वो प्लगइन्स आप देख सकते हैं कि ऐसे जाना है आप लोगों को, और उसमें क्या करना है कि मास्टरिंग में जाना है। मास्टरिंग में मास्टरिंग के प्लगइन्स आते हैं, तो ये मास्टरिंग के प्लगइन्स आप लोग ले लीजिए, और UV2H2R, UV2HR, ये मास्टरिंग के प्लगइन्स है। इसमें देख सकते हैं हमने दो प्लगइन्स यूज किया है, तो ये वाला देख सकते हैं आप। इसमें हमेशा 24 बिट रखें, हाय 24 बिट, ठीक है, 16 बिट है 16 बिट रखें, 20 बिट है 20 बिट, तो हमारा 24 बिट है 24 बिट रखे हैं, यहाँ आप शो करता है 24 बिट, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ले लिया, इसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि अभी इसको जैसे बंद करेंगे तो देख सकते हैं, अभी मास्टरिंग कर दिए तो ये आवाज जैसा आप सभी सुन रहे हैं वैसे एक्सपोर्ट के बाद भी सुनेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी ये मास्टरिंग का एक छोटा सा है, मास्टरिंग इस तरह से आप करते हैं। उसमें जाने के बाद आपको यहाँ से लेवल भी ऊपर नीचे कर सकते हैं कि हमारा आवाज़ ऊपर नीचे कितना हो रहा है, तो आवाज़ को लेवल म्यूजिक को सुन के हम लोग म्यूजिक का पार्ट और वोकल का पार्ट कितना कौन सा ज़्यादा है कम, तो हम लोगों को पार्ट है ऊपर नीचे करना होता है। जैसे ये हम लोगों को मिक्सिंग में कितना हम लोगों को लेना है, तो जब आवाज़ हम सुनते हैं तो म्यूजिक कितना है, ज़्यादा है कि वोकल ज़्यादा है, वो हमें कान से सुनाई देना चाहिए कि कितना हम लोगों को करना है, कितना रखना है, तो हम लोगों को डिपेंड वो करता है तब, क्योंकि इसका भी कोई फार्मूला नहीं है फिक्स कि हम इतना परसेंट रख दें तो हो जाएगा, क्योंकि वो सिंगर के ऊपर डिपेंड करता है। तो सिंगर जितना गाया रहेगा उसको सुनने में आपको समझ में आ जाएगा कि आवाज़ वोकल ज़्यादा किसका है, सिंगर का है या म्यूजिक ज़्यादा है, तो दोनों को अटैच करके हम लोग इसको लेवल करके यहाँ से मास्टरिंग कर देते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।